हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। माई सेल्फ सौरभ गौतम। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉलिकुलैरिटी ऑफ आ रिएक्शन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाउ वी फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉलिकुलैरिटी? द नंबर ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे, सो एज टू रिजल्ट इन टू अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द मॉलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, कितने आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट हैं उनको आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिजल्ट इन टू अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ओके। और रिएक्शन जो आपको देखने को मिलेंगे दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ओके, अगर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलैरिटी उनको क्लासिफाई करना हो, ओके। फर्स्ट इज एलिमेंट्री, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन से होते हैं? विच आर टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एन ओ प्लस ओ टू इज गोइंग टू गिव दिस, टू एन ओ प्लस ओ टू इज गोइंग टू गिव टू एन ओ टू। तो इसमें क्या हो रहा है, दो एन ओ के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे विद वन ओ टू मॉलिक्यूल एंड दे आर गेटिंग कोलाइड साइमल्टेनियसली विद ईच अदर, ओके। एंड दीज व्हेन दीज कोलाइड देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ टू एन ओ टू मॉलिक्यूल्स, ओके, क्लियर। जो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाए उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। बट जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं दे आर नॉट टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप। ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जो एक स्टेप में नहीं होते, उनमें सारे के सारे मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे आके कोलाइड नहीं करते, ओके। दैट रिएक्शंस कंटेन नंबर ऑफ स्टेप्स, ओके, नॉट टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप एंड द डिफरेंट स्टेप्स इन विच द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कितने नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस में आप डिवाइड करोगे, उस डिविडेशन को आप क्या बोलते हो कि ये क्या है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इसको थोड़ा आगे और इलेबोरेट करके समझाता हूँ, रुको, ओके। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो मॉलिकुलरिटी का पता कैसे लगता है कि मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है? द मॉलिकुलरिटी इज सिंपली द सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। एंड ऑर्डर ऑफ सच रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिकुलरिटी। एलिमेंट्री रिएक्शन की यही खास बात है कि सबसे पहले उनकी मॉलिकुलरिटी कैसे पता लगेगी, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, देख लो। जैसे टू एन ओ के मॉलिक्यूल प्लस वन ओ टू का मॉलिक्यूल, तो टोटल कितने बने, थ्री मॉलिक्यूल्स हैं। दीज थ्री आर गोइंग टू कोलाइड साइमल्टेनियसली एट अ टाइम इन केस ऑफ दिस रिएक्शन, ओके। तो इसलिए ये एक टर्म मॉलिकुलर रिएक्शन हुआ, टर्म मीन्स ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन हुआ, ओके। और जो एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं उनकी जो मॉलिकुलरिटी होती है, अगर उनकी मॉलिकुलरिटी पता लग जाए, एक्सपेरिमेंटली पता लगती है ये, ठीक है। अगर उनकी मॉलिकुलरिटी पता लग जाए इट मीन्स वही मॉलिकुलरिटी जो होगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी उतना ही होगा इसका। जैसे इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी थ्री ही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर सच ऑर्डर ऑफ सच रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिकुलरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, ये वाला। नेक्स्ट है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या होता है, इसके लिए वैसे मॉलिकुलरिटी का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो आप रिप्रेजेंट करते हो बाय द केमिकल इक्वेशन, बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो एक्चुअल में वो सारे मॉलिक्यूल एक टाइम पे नहीं कोलाइड करते, दे कोलाइड एट डिफरेंट टाइम्स, ओके, क्लियर। द रिएक्शन अकर इन नंबर ऑफ स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल, चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको पहले थोड़ा सा। मॉलिकुलैरिटी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस, इट हैज़ नो मीनिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्लियर। जैसे यहाँ पे अगर इस रिएक्शन की बात करें तो पाँच ब्रोमाइड आयन, वन ब्रोमेट आयन, छः एच पॉजिटिव आयन, मतलब 11 स्पीसीज आपस में एक ही टाइम पे कोलाइड करें, वैसे ये इतना फिजिकल इतना पॉसिबल है ही नहीं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रोड पे चलते हुए एक ही टाइम पे 11 व्हीकल्स आपस में कोलाइड कर जाएं साइमल्टेनियसली, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। एक दो तीन तक तो मान सकते हैं, तीन से ज़्यादा मॉलिकुलरिटी वाले रिएक्शन बहुत ही कम होते हैं। और इसलिए आप देखोगे कि तीन से ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले जिन ऐसे रिएक्शन जिनका ऑर्डर थ्री से ज़्यादा हो वो भी बहुत कम होते हैं, ओके। जैसे इसके लिए मॉलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं हो गया, ओके, क्लियर। इट इज़
Impossible that all the 12 ions of the reactants to come together simultaneously to collide. Okay, complex reaction is composed of many elementary reactions. इनमें कई सारे नंबर ऑफ स्टेप्स हमें बनाने पड़ते हैं इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में, क्योंकि एक्चुअल में वो वैसे ही हो रहे होते हैं. ओके, एंड दी एलिमेंट्री स्टेप्स डू नॉट टेक प्लेस एट सेम रेट. और जितने भी एलिमेंट्री स्टेप होते हैं वो सारे सेम रेट पे नहीं हो रहा होता है. हो सकता है कि मान लो इस रिएक्शन को आपने दो स्टेप रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया, स्टेप वन और स्टेप टू. विद एग्जाम्पल आगे मैं बताता हूँ, अभी रुको. ठीक है, स्टेप वन में का जो रेट है, मान लो ए प्लस बी इज गोइंग टू गिव सी, देन सी प्लस डी इज गोइंग टू गिव फाइनल प्रोडक्ट ई. ओके, क्लियर. हो सकता है इसका रेट जो है वो स्लो हो, ये ज़्यादा स्लो अकर हो रहा हो, और ये जो है ये फास्ट हो रहा हो. ओके, क्लियर. सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड दी ऑल द एलिमेंट्री स्टेप्स डू नॉट टेक प्लेस एट सेम रेट. और सभी जो एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं वो एक ही रेट पे टेक प्लेस नहीं होते. ओके, नाउ द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप. बट इतना याद रखो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, जैसे मान लो अगर आपने इसको स्टेप वन, स्टेप टू, आपको पता लग गया कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है कि ये तीन स्टेप्स में होती है, और इन तीनों स्टेप्स में जो स्टेप टू है वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम ये लेता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो है. तो यही आपके ओवरऑल रिएक्शन की जो है वो रेट को डिटरमिन करेगा, क्योंकि जो सबसे स्लो हो रहा है सारी की सारी बात उसी पे आ जाएगी कि जब ये होगा तब रिएक्शन को कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं माना जाएगा. ओके, क्लियर. तो इट मींस जो स्टेप टू होगा दैट विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. ओके, और वही उसका ऑर्डर डिसाइड करेगा उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, क्योंकि इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी का तो कोई मतलब बनता नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में ऑर्डर तो होता है. और ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा? बाय सीइंग दी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होता है? दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप. क्लियर. इसको ऐसे समझो, मान लो कि आपकी कोई फैक्ट्री है जिसमें साइकिल बनती हैं. ओके, और उसमें आपकी फैक्ट्री में चार कंपोनेंट्स लगे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट मैन्युफैक्चर करने वाले. ओके, उसके टायर, उसका एक्सल, उसकी चेन वगैरह जो भी है वो बन के फटाफट से रेडी हो गए. बट उसके जो पैडल बनाने वाला यूनिट है, जो जहाँ पे पैडल बनते हैं, ओके, क्लियर, वो पैडल बहुत स्लो बना रहा है. तो अब आपने जो साइकिल खड़ी कर भी दी है यहाँ पे, उसको कंप्लीट माना जाएगा जब तक ये पैडल बन के इसमें नहीं लग जाते? नहीं. इट मींस ये जो पैडल बनाने वाला पोर्शन है, ये जो पैडल बनाने वाला कंपोनेंट है आपकी फैक्ट्री में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी साइकिल प्रोडक्शन की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ है या स्लो है. क्योंकि ये तीनों तो फटाफट से हो गए, तो साइकिल प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो किसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट की जाएगी? इस पैडल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्पीड के अकॉर्डिंग आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि यही डिसाइड कर रहा है कि साइकिल को कब कंप्लीट बोला जाएगा. क्योंकि जब तक पैडल नहीं लगते उसको आप कंप्लीट नहीं ना मान सकते साइकिल को, इसलिए. ठीक है, तो ओवरऑल जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो होता है वो कौन सा आ जाता है? जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको ओवरऑल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोल देते हैं, और वही ऑर्डर डिसाइड करता है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. ओके, क्लियर. इसका स्क्रीन कैप्चर ले लो जल्दी से आप. ओके, ये प्रीवियस पेज और ये वाला. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट. एंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये वही बात बोली मैंने कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, जिसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोल रही हूँ, उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही जो है वो आपका रेट ऑर्डर होगा, उसकी मॉलिक्यूलरिटी ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए. जैसे अब समझते हैं इसको, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. अ सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शन परपोज्ड टू अकाउंट फॉर दी ओवरऑल रिएक्शन इन केस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. सीरीज मतलब कितने सारे स्टेप में हम बांट देते हैं उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को, बिकॉज एक्चुअल में भी वो वैसा ही हो रहा होता है. ओके, क्लियर. क्योंकि इसको आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो. जैसे N2O5 इज गिविंग 4NO प्लस O2. अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो कोई वैसे प्रॉब्लम है ही नहीं, दो ही मॉलिक्यूल हैं जिनको आपस में कोलाइड करना है. बट कई बार ये भी नंबर ऑफ स्टेप्स में हो जाते हैं रिएक्शन. ओके, क्लियर. एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसको आप एक्सपेरिमेंटली ही पता लगा सकते हो. इसके लिए कोई भी आपके पास, वैसे आप रिएक्शन को देख के नहीं पता लगा सकते कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री होगा कि कॉम्प्लेक्स. अब इसमें मैकेनिज्म क्या प्रपोज हुआ? ठीक है, इसमें मैकेनिज्म प्रपोज हुआ कि पहले N2O5 जो है वो डिसोसिएट होकर NO2 और NO3 बनाता है,
और जो दूसरा N2O5 है वो NO3 के साथ रिएक्ट करके N3NO2 और O2 बनाता है, और ओवरऑल इनका एडिशन कर दो दोनों स्टेप्स का, दैट विल बी दिस। ओके क्लियर। और जो ये फर्स्ट वाला स्टेप है, दिस इज द स्लो स्टेप, तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होगा? ये वाला। तो इसके इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी कितनी है? 1। और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? N2O5 पे। तो इसलिए इसकी जो रेट लॉ इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू स्लोअर स्टेप वो क्या बन जाएगी? रेट इज इक्वल टू के N2O5 रेज टू पावर 1। दिस इज द रेट लॉ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इसकी मॉलिकुलरिटी 2 नहीं, एक्चुअल में 1 है, क्योंकि दिस इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके क्लियर। वैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 नहीं है। क्लियर। और कई बार क्या होता है, मॉलिकुलरिटी का कैसे पता लगता है? रेट लॉ इक्वेशन से। क्योंकि रेट लॉ इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या है, और ऑर्डर से आपको पता लगता है कि रिएक्शन रेट लॉ इक्वेशन क्या बनेगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो कई बार वाइस वर्सा भी करना पड़ता है कि हमें रेट लॉ इक्वेशन देख के ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि उसका मैकेनिज्म क्या हुआ होगा। ओके उल्टा भी हमें ये करना पड़ता है। ओके तो उससे भी ऐसे ही पता लगता है कि इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ N2O5 जो है उसका एक मॉलिक्यूल ही जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है, और वो स्लो स्टेप होगा। दैट्स इट। यहाँ से ये आइडिया लगता है। ओके रेट लॉ इक्वेशन से वाइस वर्सा वाला आइडिया लग जाता है। ओके जैसे ये वाला, अब इस रिएक्शन के केस में एक्चुअल में जो ये रिएक्शन होता है वो दो स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 में ये होता है, स्टेप 2 में ये होता है। ओके क्लियर। दिस एंड दिस। स्टेप 1 इज द फास्ट एंड स्टेप 2 इज द स्लो। क्लियर। और स्टेप 2 में कौन कौन इन्वॉल्व है? NO3 एंड NO। तो इसकी रेट लॉ इक्वेशन क्या बननी चाहिए? रेट इज इक्वल टू के NO3 NO। ओके। और रिएक्शन ये रहा। बट NO3 कहीं रेट लॉ इक्वेशन में हमेशा रिएक्टेंट लिखे जाते हैं। यहाँ पे के रिएक्टेंट 1 रेज टू पावर समथिंग, रिएक्टेंट 2 रेज टू पावर समथिंग, ऐसे लिखा जाता है ना, हमेशा रिएक्टेंट लिखे जाते हैं रेट लॉ इक्वेशन में। ये NO3 तो रिएक्टेंट है ही नहीं इस ओवरऑल रिएक्शन में, क्योंकि आपने इसकी रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करनी है ना, इसकी रेट लॉ इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है इस रिएक्शन की। तो इसमें तो NO3 है ही नहीं। तो इट मीन्स ये वाली रेट लॉ इक्वेशन अगर ऐसे रिप्रेजेंट करके लिखोगे, हालांकि इसमें स्लोएस्ट स्टेप में NO3 इन्वॉल्व है बट वो इंटरमीडिएट है, ठीक है, तो यहाँ से क्या रूल निकल के आता है? यू विल नेवर एक्सप्रेस रेट लॉ इक्वेशन इन टर्म ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स की टर्म में आप कभी भी रेट लॉ इक्वेशन को एक्सप्रेस नहीं करोगे। ओके क्लियर। तो यहाँ पे अब इस तो ये गलत है, तो सही कौन सी है? अब ये देखेंगे कि NO3 की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ NO3 को हम कैसे पुट कर सकते हैं। इसमें NO3 की कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे वो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है क्लियर। बट NO3 इज द इंटरमीडिएट, वी डू नॉट राइट रेट लॉ इक्वेशन इन टर्म ऑफ इंटरमीडिएट, सो वी हैव टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ NO3 फॉर फ्रॉम इक्विलिब्रियम 1। फर्स्ट जो NO3 प्रिपरेशन वाला इक्विलिब्रियम था वो कौन सा था? NO इज गिविंग इज रिएक्टिंग विद O2 एंड इज गिविंग NO3। दिस वॉज द स्टेप 1 विच वॉज द फास्ट स्टेप। ओके तो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैसे लिखा जाएगा? कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखा जाएगा। ये लिख दिया, तो यहाँ से कंसनट्रेशन ऑफ NO3 के लिए एक्सप्रेशन क्या आ गया? कंसनट्रेशन ऑफ NO3 इज इक्वल टू के विच इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेप, NO कंसनट्रेशन ऑफ NO प्लस कंसनट्रेशन ऑफ O2। तो NO3 की कंसनट्रेशन की वैल्यू हमने ये पुट कर दी यहाँ पे, ये देखो। ओके तो इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट K1 के यहाँ पे क्या है? वट इज के हेयर? दिस इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ओके क्लियर। K1 इंटू के, दिस इज द एक्सप्रेशन। तो आपके पास यहाँ पे रेट लॉ इक्वेशन क्या आ गई? K1 जो कि रेट लॉ इक्वेशन में इन्वॉल्व था पहले वाली, इंटू के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। इन दोनों कॉन्स्टेंट को जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ओवरऑल कॉन्स्टेंट। तो जो नई रेट लॉ इक्वेशन बनी है, जो एक्चुअल में रेट लॉ इक्वेशन है, वो क्या है? रेट इज इक्वल टू के डैश विच इज द कॉन्स्टेंट NO2 रेज टू पावर NO रेज टू पावर 2 O2 रेज टू पावर 1। एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? अब इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स बताना होता है, इंटरमीडिएट्स नहीं। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन गया? 2 + 1, इसके अकॉर्डिंग 2 है, NO के रिस्पेक्ट में 2 है, O2 के रिस्पेक्ट में 1 है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बन गया? 2 + 1 इज गिविंग 3। दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ओके. नाउ वी विल डू सम सैम्पल प्रॉब्लम्स. ओके, मैं एक दो कर दूंगा, बाकी आपने खुद करनी है. क्लियर? इसका स्क्रीन कैप्चर लेना, जल्दी से ले लो. इसका भी वेट. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नाइट्रिक ऑक्साइड एनओ रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाइक दिस. वट इज़ द प्रिडिक्टेड रेट लॉ. प्रिडिक्टेड रेट लॉ क्या होगा इफ़ द मैकेनिज्म इज दिस. मतलब रेट लॉ इक्वेशन बतानी है, वही बात होगी ना. ये वाला तो हम अभी करके हटे हैं, ये वाली इक्वेशन अभी करके हटे हैं ना, इसी में. तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर. एंड सैम्पल प्रॉब्लम सेकेंड इज दिस इज द रिएक्शन. ओके, द एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिंड रेट एक्सप्रेशन. इसका रेट एक्सप्रेशन आपने एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन कर लिया है बिलो 400 केल्विन. वो क्या आया? रेट इज इक्वल टू के एन ओ टू रेज टू पावर 2. इट मीन्स इसमें जो ऑर्डर ऑफ एक्शन है वो एन ओ टू के रिस्पेक्ट में 2 है. ओके, क्लियर. और सी ओ के रिस्पेक्ट में है ही नहीं. तो इसका मैकेनिज्म बताओ जी, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. क्लियर? तो इट मीन्स यहाँ से रेट ऐसे लिखने से क्या क्लियर हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एन ओ टू पर डिपेंड करता है. और एन ओ जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. ये जो स्लोएस्ट स्टेप है, तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में 2 NO इन्वॉल्व होंगे इन दी स्लोएस्ट स्टेप. तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा? NO2 + NO2. और ये क्या देंगे? दे आर गोइंग टू गिव NO + NO3. ओके, क्लियर. तो रेट लॉ इक्वेशन से ये अंदाज़ा लग गया कि स्लोएस्ट स्टेप ये होगा, ठीक. और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? दिस इज स्टेप टू, दिस विल बी द स्टेप वन. स्टेप वन में ये होगा, स्टेप टू में क्या होगा? ये जो एन ओ थ्री बनेगा, ठीक है, बचा क्या है? कार्बन मोनोक्साइड, ये वाला रिएक्टेंट है ना, कार्बन मोनोक्साइड. यहाँ पे इज गोइंग टू गिव NO2 + CO2, ठीक है, क्लियर. इट मीन्स ये वाला जो ओवरऑल रिएक्शन था उसका मैकेनिज्म ये है. कैसे पता लगा? क्योंकि जो आपने एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन किया रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये वाला, इसने आइडिया दिया कि स्लोएस्ट स्टेप में 2 NO हैं जो इन्वॉल्व हैं और वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. और 2 NO मिलके आपस में क्या बना सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली NO3 एंड NO. ओके, क्लियर. और NO एज अ प्रोडक्ट तो आता है, ये दिख रहा है. NO3 नहीं आता एज अ प्रोडक्ट. इट मीन्स NO3 जो है वो जो रिएक्टेंट बचा है CO, उसके साथ फास्टली रिएक्ट करके, ये फास्ट स्टेप होगा, ये वाला स्लो स्टेप होता है, ठीक है. क्या बनाता है? देर इज प्रोडक्शन ऑफ NO2 + CO2. और NO2 जो बनेगा वो दोबारा से रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा अगले रिएक्शन के लिए, ठीक है. तो इट मीन्स रेट लॉ इक्वेशन जो आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हो, वहाँ से आप मैकेनिज्म भी प्रपोज कर सकते हो. वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिकुलरिटी एंड हाउ यू कैन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाई यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मॉलिकुलरिटी एंड मैकेनिज्म. ओके, बस याद रखने वाली कौन सी बात है? ये वाली, दी स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. एंड यही आपकी रेट लॉ इक्वेशन को डिफाइन करेगा और इसके अकॉर्डिंग ही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा. ओके, एंड दी इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस. ओके, क्लियर. इसमें जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, इंटीग्रेशन यूज होगी, ठीक है. हम रेट लॉ इक्वेशंस बनाएंगे फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंट रेट लॉ इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंट बनेगी, सेकेंड के लिए डिफरेंट बनेगी, एंड सो ऑन. ओके, क्लियर. दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.